विशाल जादुई सोने की चिड़िया। कोल्हापुर नाम के गांव में एक वैशाली नाम की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वैशाली का परिवार गांव का सबसे गरीब परिवार था। वैशाली के पापा दूसरों के खेतों में काम करते थे और उसकी मम्मी दूसरों के घरों में काम करती थी, और ऐसे दोनों मिलकर घर चलाते थे और वैशाली को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। रोज की तरह सुबह वैशाली स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो, वैशाली बेटा कहाँ है, जल्दी आ, मुझे काम पर भी जाना है। हाँ बस आई पापा, आप भी ना बहुत जल्दी करते हो। अच्छा जल्दी से आशीर्वाद दो ताकि मेरा पेपर अच्छा जाए। बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तू हर बार की तरह क्लास में अव्वल आए और ऐसे ही मन लगा कर पढ़े। वैसे तुझे फिर से स्कूल में कोई परेशान तो नहीं करता ना? ये अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद क्या जाने, इनको सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो गरीब बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। क्या पापा आप भी सुबह सुबह कौन सी बात लेकर बैठ गए, चलो अब लेट नहीं हो रहे आप। हाँ ठीक है, आप कोई परेशान करे तो बता देना, छुपाना मत। ठीक है पापा, अब चलो मुझे अपनी साइकिल से स्कूल छोड़ दो। फिर वैशाली अपने पापा के साथ साइकिल पर स्कूल चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड्स भी कार से उतरती हैं और वैशाली को साइकिल से उतरता देख उस पर दूर खड़ी हंसने लगती हैं। ये देखकर वैशाली के पापा उसे बोलते हैं, तुम इन अमीर लड़कियों से दूर रहना, समझी? देखो कैसे हंस रही हैं, बहुत घमंड है इन्हें पैसों का। फिर से पापा, वो आपस में बात करके हंस रही हैं। चलो बाय अब। इतना कहकर वैशाली अपने क्लास में जा रही होती है कि उसकी तीन अमीर दोस्त कृति, प्रिया, हेमा उसे बुलाती हैं। ए वैशाली, अकेले अकेले जा रही है, अपनी दोस्त को भूल गई क्या? नहीं बस लेट हो रहा था तो क्लास में जा रही थी, तुम भी चलो। हाँ इधर आओ। हाँ बोलो कैसी हो तुम सब? हम तो सही हैं, पर तुम कैसी हो? ऐसे खटारे साइकिल पर इतनी धूल मिट्टी में सफर करके कहीं रास्ते में गिरी तो नहीं थी ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं। अरे तुम कैसे आती हो, मुझे तो धूल मिट्टी से एलर्जी है, तुम्हें नहीं होती क्या? नहीं। अब बेचारी के पास हमारी तरह कार थोड़ी है, गरीब है, अब हैसियत से ज्यादा बड़े स्कूल में पढ़ेगी तो क्या होगा, कम से कम अपनी शक्ल तो देख लेती, कैसी भूतनी लग रही है और बोल रही है कोई दिक्कत नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुझे कोई दोस्त नहीं बनाएगा स्कूल में, हमने बना लिया तो एहसान मान हमारा और हमारे बैग क्लास में रख करा, समझी? ठीक है। ऐसे ही वैशाली की गरीबी का सब स्कूल में मजाक बनाते थे, कोई उसे पसंद नहीं करता था और वैशाली की वो तीन फ्रेंड भी उसे परेशान करती थी, जिससे वो बहुत उदास हो जाती थी और रोज स्कूल से आते वक्त एक नदी के पास बैठकर रोती हुई खुद से बात करती, फिर घर चली जाती, पर माँ बाबा को कुछ नहीं बताती ताकि वो परेशान ना हो जाएं। ऐसे ही जब वैशाली खेलने जाती है तो उसकी तीन फ्रेंड भी खेलने आ जाती हैं और वो उसे देखकर आपस में बात करती हैं। अरे वैशाली को देखो कैसे बनकर आई है, चलो उससे मजे लेते हैं। हाय वैशाली, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खेल रही हूँ। अकेले? तुम कहाँ अमीर घर की, तुम मेरे साथ थोड़ी खेलोगी? अरे वैशाली तुम तो बुरा मान गई, हम तो तुम्हारे लिए ही बोलते हैं ना, तुम ऐसे बनकर आती हो हमें बहुत बुरा लगता है। चलो कोई नहीं, आज तुम हमारे साथ खेलोगी। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, आओ ना। ऐसा कहकर जब वैशाली उनके साथ खेलने जाती है तो वो तीनों उसे धक्का देकर गिरा देती हैं। फिर और अमीर बच्चे आ जाते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। शक्ल देखिए अपनी, तूने हमारे साथ खेलेगी? दोस्तों ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते, ये हमारी दोस्त है, हमारे साथ खेलेगी। अच्छा तो उसे हमारे खेल आते जो खेलेगी, हम सिखा देंगे, तुम उठो वैशाली। वैशाली कृति की बातों में आ जाती है और फिर उसके साथ खेलने जाती है, पर वो सब मिलकर उसका और मजाक उड़ाते हैं और उसे गिरा भी देते हैं, जिसके बाद वैशाली उठकर रोती हुई उसी नदी के पास चली जाती है। मेरा गरीब होना गुनाह है क्या, या मेरी गलती है जो ये लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं?
मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो हमेशा वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। और ये सब मैं माँ बाबा को नहीं बता सकती। वो इन अमीरों के घर काम करके वैसे भी परेशान रहते हैं। मैं और परेशान नहीं करना चाहती, तो मैं क्या करूं? रो मत मेरी दोस्त। अब फिर से कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है? मुझे पता है कोई मेरा दोस्त नहीं है। फिर से तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। नहीं दोस्त, मैं हूँ। नीचे देखो। तुम सुनहरी चिड़िया, तुम हमारी तरह कैसे बातें कर रही हो? मैं जादुई सोने की चिड़िया हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम भी मेरा मजाक बनाओगी, पता है मुझे। नहीं दोस्त, मुझ पर विश्वास करो। मैं एक जादुई सोने की चिड़िया हूँ। मैं परीलोक से आई हूँ। मुझे रानी परी ने उनकी बेटी का ध्यान रखने को बोला था, पर मैं अपनी सहेलियों के साथ मगन थी, जिससे उनकी बेटी जल गई और उसके चेहरे पर दाग हो गया, जिससे रानी परी ने मुझे श्राप दे दिया था कि मेरा कष्ट तभी कम होगा जब मैं किसी भले इंसान की मदद करूंगी। और मैं इस पेड़ पर बैठकर तुम्हारी सारी बातें सुनती थी, इसीलिए आज मैंने बोला मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कैसे? मैं सोने के अंडे और सिक्के देती हूँ, तुम उससे अपनी सारी गरीबी दूर कर सकती हो। शुक्रिया, तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरी कोई दोस्त नहीं है। हाँ बिल्कुल, आज से तुम मेरी दोस्त हो। ऐसा कहकर जादुई सोने की चिड़िया उसे अपने पीठ पर बैठाकर उसके घर ले जाती है और उसे ढेर सारे सोने के सिक्के और अंडा देती है, जिसे देखकर वैशाली के माँ बाबा भी हैरान रह जाते हैं। तब वैशाली उन्हें सब बताती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी मदद की, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर जादुई सोने की चिड़िया रोज पहले अपना साइज बहुत बड़ा कर लेती है और फिर उसे एक अंडा और ढेर सारे सोने के सिक्के देती है, और देखते ही देखते वैशाली बहुत अमीर हो जाती है। और फिर गांव के गरीबों की जादुई सोने की विशाल चिड़िया से रोज सोने और अंडे लेकर मदद करती है, और अब उसके पास भी एक अच्छी दोस्त है, एक जादुई सोने की चिड़िया के रूप में, जिसका साथ पाकर वैशाली बहुत खुश रहती है।